हेलो एवरीवन वेलकम टू किचन अफेयर्स आज मैं आपके लिए ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ सिंपल टेस्टी और बहुत ही ईजी है बनाना तो चलते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले एक बोल में हम दो अंडे फोड़ेंगे एक छोटे साइज के प्याज को थिनली चॉप करके मैं ली हूं और साथ में दो हरी मिर्चें भी चॉप करके ले लेंगे और प्याज और हरी मिर्चें दोनों ही बोल में डालेंगे साथ में स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे वन फोर्टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे अच्छे से सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही में दो टेबल स्पून दूध इसमें डाल के वापस से इसे मिक्स करेंगे और रेडी हो गया हमारा अंडा का मिक्सचर गैस में एक तवा चढ़ा के उसमें दो टीस्पून तेल डालेंगे तेल को पूरे तवे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा अंडा का जो मिक्सचर है उसे डालेंगे अंडा का मिक्सचर तवे में पूरी तरह से स्प्रेड होना चाहिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और कुछ सेकंड्स के लिए इसे कुक होने देंगे अंडे को ज्यादा टाइम तक कुक मत कीजिएगा अब इसके ऊपर हम डाल देंगे दो ब्रेड के स्लाइसेस ब्रेड के एक साइड को ऑमलेट में थोड़ा सा लगा के फ्लिप कर देंगे इमीडिएटली जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसे 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम में हम कुक होने देंगे उसके बाद इसे हम फ्लिप करेंगे बहुत ही केयरफुली फ्लिप कीजिएगा इस टाइम पे ऑमलेट को पूरी तरह से कुक होने तक वेट मत कीजिएगा ऑमलेट के सारे साइड को हम ब्रेड के ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है इस टाइम पे आप चाहे तो ब्रेड को भी फोल्ड कर सकते हैं और दो स्लाइसेस में ब्रेड ऑमलेट बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर के तरफ से दो ब्रेड स्लाइसेस और रख रही हूँ और बीच में से अंडा को हम काट देंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है अब ब्रेड के दोनों साइड को हम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर होके क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे आप चाहे तो ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं इस टाइम पे केयरफुली फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक कुक कर देंगे और रेडी हो गया हमारा ब्रेड ऑमलेट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर होके कुक हुआ है बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है तो ट्राई जरूर कीजिए और कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं बाय बाय